A huge round of applause, ladies and gentlemen. ओम साई राम। सभी उपस्थित लोगों को मेरा साई राम। मेरी मूवी अनजाने गांव की अनजाने कहानी लोरी, एक ऐसी लड़की जिसका माँ को मिलने के लिए, जो माँ के मिलने बहुत तरस रहती है। बचपन में जो वो अपने बुआ के घर शहर में शिक्षा प्राप्त करने आई है, उसके बाद उसका माँ से मिलाप नहीं हुआ होता है, तो उस लड़की की और उसके माँ के मिलाप की कहानी है। कहानी उन्होंने लिखी है और ये स्क्रिप्ट जब हम लोग लॉकडाउन में फोन पे बातें करते थे तो उन्होंने मुझे जस्ट पूरी वर्णन भी नहीं कह सकते तो मुझे वो अट्रैक्ट किया थे स्टोरी ने, तो मैंने उसे कहा था कि ये मुझे चाहिए और लॉकडाउन के बाद में हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया। फूड ओरिएंटेड मूवी है, इसकी मेन लीड है पंक्ति पटेल, फिर अभिनाश गैरा, मैं अविनाश कौटनकर, पर अभी जो माँ देखी प्रतिभा शिम्पी, फिर रंजीत दास जो पिताजी के रोल में है, सेकंड है शान कक्कड़ जो बड़े बाल वाला, आनंद पाटिल, वो आने वाला अभी तो आया नहीं पता नहीं, आनंद पाटिल है, फिर वो जो गुड्डी दिखाई वो उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मतलब वो बाकी सब छोटे छोटे कैरेक्टर है। ये मेन इसमें ये सर आरती शिंदे भी एक है, आरती शिंदे, स्नेहा शिंदे, नम्रता। सर एक सवाल मेरा है, ये भी है कि जब पहली बार आपने कैमरा फेस किया, हाँ जी, एक बड़ा इमोशन होगा क्योंकि इतने आप एक ड्रीम, हाँ जी, क्या कुछ फीलिंग थी जरा दसों सब शेयर करो। न्यूट्रल था। इसके पहले सर आप अपने बारे में बताना चाहेंगे, इसके पहले आपने क्या कुछ शूट किया था? कुछ भी नहीं किया, ये मेरा पहला है एज एन प्रोड्यूसर एंड एक्टर, कैमरा फर्स्ट टाइम मैंने फेस किया एज एन एक्टर, एज एन प्रोड्यूसर मेरी पहली फिल्म, मुझे पता नहीं था आगे क्या क्या करना है, इसके बारे में कुछ ज्ञान भी नहीं था, बस मेरा साई पे विश्वास था, मैंने साई पे पूरा छोड़ दिया था। और सेट में मैं यह भी कहता था मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मेरे साई से प्रोड्यूसर है, बस मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनका एक बंदा हूँ, उनका एक सेवक हूँ। तो साई बाबा पे भी कोई फिल्म वगैरह बनाना चाहेंगे आने वाले समय में? वैसे अभी तो कुछ सोचा नहीं है मैंने, साई के ऊपर मैं एक प्ले करने वाला था, उसके ऊपर बहुत वर्क भी किया था, कुछ कुछ कारणवश उसको रोकना पड़ा। सर बहुत से लोग जो आपके मनोबल को बढ़ाए और ये काम को, ऐसा कोई भी नहीं है, मैं अपने खुद की से हूँ। क्या बात है, कोई मेरे मनोबल बढ़ाने आया नहीं है, किसी मुझे गाइड नहीं दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। एक दीवान जी थे, वो दीवान जी मुझे यहाँ तक लेकर आए, और मेरे साई का आशीर्वाद, जहाँ जहाँ मैं रुका, जहाँ जहाँ जो जो कठिनाई आई शूट के दरमियान में, मेरे तीन चार बार शूट रुक गई है, उसे पता है, वो कुछ हादसे हो गए, कुछ रोका गया, पर मेरे साई ने किसी ने किसी को किसी बंदे को भेजा और मेरी शूट शुरू कर दी है। सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप जैसे तमाम लोग हैं यहाँ बैठे हुए भी, तमाम लोग होंगे जिनके जहन में बचपन सपना होगा कि हम भी आज एक्टिंग करें, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हर आदमी अपने आप में एक आर्टिस्ट होता है, हर एक इंसान आर्टिस्ट है, बस उसकी लगन और जिद रखनी चाहिए और खुद पे विश्वास रखना चाहिए, खुद पे नहीं तो जिसको जिस भगवान को मानता है उस पे विश्वास रखो, आगे रास्ता मिल जाएगा। थैंक यू। अविनाश एक सवाल, इस फिल्म के बाद आगे क्या इरादा है? इसके आगे मैं मराठी करने वाला हूँ, मराठी कॉमेडी, इसमें मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ। सर सर मैं एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ये मेरे बचपन के दोस्त है, तो जब भी आपने पूछा था कि लोरी माँ से ज्यादा अटैचमेंट है, तो मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि हम भी बहुत सारे पिक्चर देखते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर जब मैं इनके साथ में था, जब हम लोग शूट चल रहे थे, हम लोग साथ में थे, तो ऐसा प्रोड्यूसर आज के तारीख में फिल्म इंडस्ट्री में मिलना बहुत ही मुश्किल है, मैंने देखा है। राजू सर हमारे थे, उन्होंने भी देखा है, क्योंकि ये हर बंदे से पर्सनली मिलते थे, इतने ग्राउंड लेवल के, और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में काम करने के बावजूद, पहली बात तो अनमैरिड है, अनमैरिड, और आपने जो माँ का बोला, इनकी मम्मी घर पे अकेली रहती है, उनका सवेरे का नाश्ता करने के बाद दोपहर में खाना, रात में खाना, उनका कपड़ा धोना, सब ये करते, और उसके बाद पिक्चर निकालना बोला तो बहुत बड़ी बात है। पिक्चर में हीरो का रोल करने का, प्रोड्यूसर बनने का, ये सबके बस की बात नहीं है, साईं बाबा का सही में आशीर्वाद है, बाल खड़े हो गए अपने।
साई बाबा यस, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजानी चाहिए। इनके माँ का आशीर्वाद इनके साथ में, सच में इतना बड़ा स्ट्रगल करना, क्योंकि उस दरमियान शूटिंग के टाइम उनके मम्मी की तबीयत भी खराब थी, तो भी उन्होंने, उनका पॉजिटिव एनर्जी इतना स्ट्रांग था कि थोड़ा भी डगमगा, मैं इसको बोलता था, खाना भी नहीं खाते थे, तो मैं बोला अरे खाना खाओ, सोते भी नहीं थे, तो वो बोले नहीं हमारे दिमाग के अंदर। तो ऐसा प्रोड्यूसर मिलना, मैं भगवान को रिक्वेस्ट करूंगा और आप सभी लोगों को बोलूंगा अच्छा आशीर्वाद दो, ऐसे सर की 10 पिक्चरें आज और आए और अच्छा प्रोग्राम बने, धन्यवाद। सर आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका ड्रीम पूरा हुआ है, एक सनम चाहिए आज से कोई सर। सबसे पहले तो मेरे दीवानगी थी मूवी इस क्षेत्र में आना, इसके आगे भी अभी मुझे फिर से खड़ा रहना है, अभी शुरुआत के खड़ा रहने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले खड़े हो जाओ बाद में उसके सोचो। क्या बात है। फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग काफी साल से हैं, लगभग मैं भी 25-30 साल से मूवी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं। हमारे बीच एक बहुत सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर है और उन्होंने काफी फिल्में की है, और आज भी लास्ट फ्राइडे भी हमने एक फिल्म जॉइंटली रिलीज किया है बंगाल में, दिल्ली यूपी में नेक्स्ट टाइम में। तो कमिंग मिस 2 मिनट दो बात करेंगे अभी मूवी के बारे में। ट्रेलर मुझे बहुत अफेक्टिव लगा, खास करके ट्रेलर का जो डिजाइन है ये मुझे अट्रैक्टिव लगा, इसलिए ऑल इंडिया बाय गॉड ग्रेस मैं इस फिल्म को स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूँ इन द बैनर ऑफ नेम ऑफ विनायकन मूवीज। थैंक यू वेरी मच। फिल्म मार्च में रिलीज है। शूटिंग आपने कहाँ कहाँ पे किया? पुणे, कोल्हापुर और मुंबई। अभी आपने जो देखा ना वो पागल मैं हूँ। Thank you very much. Thank you.